उतवारी पुलिस ने हदू चोड़ स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में जन जागरूकता अभियान चलाकर छात्र छात्रों को उत्तराखंड पुलिस ऐप और गोरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी। इस दौरान एसपी सिटी अरवंश सिंह ने बताया कि छात्राओं की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए गौरा शक्ति ऐप और जनता की सुविधा के लिए उत्तराखंड पुलिस ऐप तैयार किया गया है। लोग अब घर बैठे ही EFIR वाहन चोरी और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस ऐप में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति ऐप यातायात नियमों के उल्लंघन की जानकारी के लिए ट्रैफिक आई नियमों के उल्लंघन और अपराध से संबंधित जानकारी के लिए पब्लिक आई चार धाम और पर्यटन से संबंधित है जानकारी के लिए मेरी यात्रा नशे से बचाव और उससे संबंधित जानकारी के लिए नशा मुक्त उत्तराखंड ऐप को भी इसमें जोड़ा गया है। इस अवसर पर ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष पंत पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी भी मौजूद रहे। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। कभी भी उस कोई है कोई भी जो यहां पर पूरे कॉलेज के बच्चे से इंटरेक्शन हुआ है और सभी बच्चों को उनके बेटर फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि उनका फ्यूचर बेटर कैसे हो सकता है और उनके फ्यूचर को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं नेगेटिव तरीके से नकारात्मक तरीके से उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो ड्रग्स है ये बहुत बुरी चीज़ है किसी भी व्यक्ति के विकास को रोकने में, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स से उनको अवगत कराया गया है। अदा करना चाहूँगा एसपी सिटी अर्बन सर का जिन्होंने अपने अमूल्य समय से हमारे संस्थान में आकर हमारे हर बच्चे से इंटरेक्ट किया और उन्हें साइबर सिक्योरिटी ड्रग अब्यूज़ और ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवगत कराया और उत्तराखंड पुलिस का जो ऐप है उसको भी सारे बच्चों ने उनके दिशा निर्देश में डाउनलोड किया और जो स्पेशल सर्विस उसमें है गौर शक्ति करके वो हमारी जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उन्होंने उसको भी डाउनलोड करा।